हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 14.3 माधी का ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन करूंगा। इसके पीछे की वीडियोज़ में मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 का सोल्यूशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आप वॉच कर लें ताकि 3 क्वेश्चन समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि ये सब वीडियोज़ को अपने दोस्तों, मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें और फिर उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ता रहा हूँ। लिखा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु बंटन के निम्नलिखित आंकड़े एकत्र कर माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। अब वो डाटा नीचे दिया हुआ है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। और पॉलिसी धारकों की संख्या जो है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आइए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कभी से कम प्रकार के क्वेश्चंस दिए हो तो उसमें ये जो बगल का जो डाटा होता है वो CF का मान होता है। किसका? CF यानी संचयी बारंबारता का, और इससे हमें बारंबारता निकालना होगा, ठीक है ना। तो आइए मैं आप सबको इसको बताता हूँ कैसे सोल्यूशन होगा। इस डाटा को बना लेंगे वर्ग अंतराल, इसमें जो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम था उसको ऐसे लिख लेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, क्लियर। और आपके जो बुक में डाटा था वो भर लेते हैं यहाँ पे 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, क्लियर। तो इसमें ये दिया है संचयी बारंबारता का मान, मैंने बोला ना से कम में होता है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में 24 गया 21, 8 में से 5 गया 3, 7 में गया 33, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 11, 82 में से 3, 98 में से 6, 100 में से 2, ठीक है ना। यहाँ n निकालेंगे जोड़ के, तो 6, 2, 8, 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12, 3, 15, 1, 16, 8, 24, 28, 29, 30 के 0 हासिल 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, 100 आ गया। अब इसके बाद क्या किया जाता है, n बाई 2 निकालेंगे, n बाई 2, तो 100 बाई 2, तो ये हो गया 50। तो 50 हो गया, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी जस्ट उसके बाद वाली संचयी बारंबारता, तो आप देख सकते हैं 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है आपका 78 है ना, ऊपर में 45 है, इसलिए इसको घेर देते हैं ताकि बनाने में किसी तरह के कोई दिक्कत ना हो। 78 आ गया, इसलिए माध्यक वर्ग जो होगा हमारा ये हो गया 35 से 40, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हो गया 35 से 40, है ना। अब इसके बाद हम लिखेंगे माध्यक का सूत्र, जिसका सूत्र माध्यक बराबर इस टाइप का होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ गुना एच, क्लियर। L यानी निम्न सीमा, तो 35 से 40 का निम्न सीमा 35 है, 35 पुट कर लेंगे, प्लस n बाई टू, तो देख लीजिए n बाई टू 50 है, 50 पुट कर देंगे, सी एफ यानी माध्यक वर्ष से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, क्लियर। आइए दिखाते हैं माध्यक वर्ष से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यक ये है और ये 78 है, इसके ठीक पहले क्या है 45, इसको 45 पुट कर देंगे। और नीचे लिखना है एफ, एफ मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये उसको दिखाते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए 78 है, इसकी बारंबारता 33 और पुट कर लिया,
और एच यानी कि वर्गा हम आप 35 से 40 पाँच का चल रहा है, क्लियर। तो 35 और प्लस 50 में से 45 घटेगा 5 गुने 5 बटा में 33, तो 35 और प्लस 25 बटा में 33, ठीक है ना। आगे इसको ऐसे लिख लेंगे, 35 प्लस भाग करेंगे तो 0.8 आएगा और इसको आप जोड़ लेंगे तो 35.8, ये आपका माध्यक वर्ग हुआ। तो ये क्वेश्चंस आपको तीन का जो मैंने सोल्यूशन किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना ना भूले, और हो सके आपके पास थोड़ा सा समय है तो इसे अपने दोस्तों फ्रेंड्सों में शेयर कर दे। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका आगे का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। थैंक्स।